अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अस्मा है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो इस सिस्टम को हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा था। हाँ, इसमें थोड़े से चेंजेस होंगे तो वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम चार्ट के थ्रू बताया था, वैसे ही हम पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम भी चार्ट के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम कैटेगरीज में डिवाइड था, पीयर्स में डिवाइडेड था, तो इसी तरह से पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम भी पीयर्स में डिवाइडेड है। प्लेस वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती है, ये चलती रहती है चलती रहती है, हंड्रेड थाउजेंड्स, लाख, करोड़, अरब्स और फिर ये सो ऑन। ठीक है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन प्राइमरी लेवल तक हम लोगों को बच्चों को सिर्फ अरब तक पढ़ाते हैं, तो इस वजह से हम अभी सिर्फ अरब तक ही पढ़ेंगे। ओके, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम की तरह ही ये स्टार्ट होता है हंड्रेड से। इसमें होता है यूनिट, टेंस, हंड्रेड। ठीक है, फिर उसके बाद थाउजेंड की हमारे पास कैटेगरी आ जाती है, जिसके अंदर हमारे पास थाउजेंड, फिर टेन थाउजेंड। अच्छा, आप लोग नोट करिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास 10,000 के बाद 100,000 भी होता है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम में यहाँ पर 10 तक ही होगा, 100,000 इसके अंदर नहीं है, 100,000 नहीं होगा। 10,000 के बाद हमारे पास आ जाता है लाख, फिर लाख के बाद 10 लाख, और इसमें भी हमारे पास 100 लाख नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ 10 लाख है। फिर 10 लाख के बाद हमारे पास आ जाते हैं करोड़, फिर उसके बाद 10 करोड़, और फिर उसके बाद अरब, फिर 10 अरब, एंड फिर सो ऑन। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल भी दी गई है, 7 अरब 32 करोड़ एंड 2 लाख 16,204। ठीक है, यह हमारे पास वैल्यू दी गई है। यहाँ पे हर डिजिट की अपनी अलग वैल्यू है। जैसे मैंने इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ाते वक्त आपको डिजिट के बारे में बताया था कि प्लेस वैल्यू हमारे पास क्यों ज़रूरी है, कि वो हमारे पास हमें एक डिजिट की वैल्यू बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 6 लूँ, तो यहाँ पे 6 की वैल्यू क्या है, 6 यहाँ पे 1000 काम कर रहा है। अगर मैं 7 की वैल्यू पूछूँ तो 7 की वैल्यू है अरब। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है, हमने इस वैल्यू को, ये नंबर्स में जो लिखी हुई है वैल्यू, इसको हमने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। कैसे? इसका सबसे आसान तरीका है HTU, यानी कि यूनिट, टेंस, हंड्रेड। मतलब जो हमारे पास कैटेगरीज हैं उसको हम यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे ताकि हम आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मैंने बताया था प्लेस वैल्यू हमेशा लेफ्ट राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है, तो पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू भी राइट से ही स्टार्ट होगी, यूनिट, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड, फिर 10,000, और फिर उसके बाद लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, एंड देन अरब। ओके, क्लियर। अब हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले हम डिजिट्स को देखेंगे। हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 3। अब हम 3 को वर्ड्स में लिखेंगे, लिख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू यहाँ पे है अरब। अब हम अरब लिख देंगे, 3 अरब। फिर हम कॉमा डाल देंगे, क्योंकि प्लेस वैल्यू में हर पीरियड को सेपरेट करने के बाद हम उसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा डालते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे करोड़ 0 है, तो अब हम यहाँ पे इसको मेंशन ही नहीं करेंगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट 3 अरब, फिर 8 और 3। अब नेक्स्ट में क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 था, तो इसलिए हमने इसको 1 ही कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स हों तो फिर उनको एक साथ लिया जाता है 2 डिजिट्स को। ठीक है, अब देखें इधर 8 और 3 मिला के क्या बनेंगे, 83। फिर हम 83 को यहाँ पे वर्ड्स में लिख देंगे, ठीक है।
ठीक है, हमने 83 लिख दिया। फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, लैक्स, 83 लैक्स। ठीक है, फिर हम सेपरेशन के लिए कॉमा डालेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है 1000 की। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 10,000 में ज़ीरो है, हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको मेंशन ही नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 9 है, 9 की वैल्यू क्या है, 1000। अब हम पहले यहाँ पे 9 लिखेंगे फिर 1000 लिखेंगे, 9 9000, ओके। एंड देन हमारे पास 400, ठीक है, यहाँ पे जब 2 आ जाते हैं तो फिर वैल्यू 7 लेते हैं लेकिन आखिर की, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 4, यहाँ पे लिख देते हैं 4। अब 4 की वैल्यू क्या है, 100, तो यहाँ पे भी हम 100 ही लिखेंगे। एंड जब हम अपना एंड कर रहे होते हैं, आखिर के वक्त हम होते हैं, तो यहाँ पे हम जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो फिर हम एंड लगाते हैं और फिर उसके बाद हम बाकी की वैल्यू लिखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे टेंस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे यूनिट है, एंड 3, क्योंकि 3 सिर्फ यूनिट है यानी केला, तो सिर्फ हम 3 लिखेंगे, 3 अरब्स, 83 लैक्स, 9,403। ये हमारी प्लेस वैल्यू आ गई है वर्ड्स में। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, राइट इन नंबर्स। अब इसी का ऑपोजिट हमने यहाँ पे करना है, पहले हमें नंबर्स में दिया गया था फिर हमने उसको वर्ड्स में कन्वर्ट किया था, लेकिन अब हमें वर्ड्स में दिया गया है, हमने इसको कन्वर्ट करना है नंबर्स में। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो हम लोग वही जो हमने यहाँ पे HTO वगैरह लिखे थे उसी तरह से हम यहाँ पे भी लिखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अच्छा यहाँ पे ये स्टार्ट ही 67 करोड़ से हो रहा है, तो यहाँ पे हमें अरब की कैटेगरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे 60 है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब दो वैल्यूज़ हों तो हम इसको दोनों को साथ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर 83 है तो 80 मतलब 8, अब यहाँ पे हम इसी तरह से 60 मतलब 6, अब यहाँ पे हम लिख देंगे 6 एंड 67, अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। यहाँ पे करोड़ की कैटेगरी ख़त्म हो गई, फिर हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ओके, देन लैक की बारी आती है, 50 लैक, 50 मीन्स 5, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, 0, बन गया ना 50। उसके बाद हम आएंगे थाउजेंड्स पर, 309, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास थाउजेंड्स की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम यहाँ पे सिंपली 0,0 लगा देंगे। अब हम यहाँ पे 3 लिख देंगे एंड यहाँ पे 9 है, यहाँ 9 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं तो हम 0 लिख देंगे, तो बन गया, अगर हम इसको पढ़ें तो 309 ही बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों के काफ़ी हद तक के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।